very good morning class third students i am your english teacher welcome back to your online classes so today is date uh, 14 of september 2021 and today is tuesday uh, so today we are going to start a new chapter sonas adventure chapter number 2 okay now open your book at page number 16 okay see this chapter which is

क्या आपको पता चल रहा है कि इस पिक्चर्स के जरिए इन एनिमल्स का नाम क्या है इन्हें के थ्रू ये कुछ क्लूज दिए हैं इन्हीं के ज़रिए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है ठीक है फर्स्ट है माई हम अलाउज़ मी टू स्टोर फूड फॉर डेज मेरा जो हम्ब है वो मुझे परमिशन देता है दिन भर खाना स्टोर करने में वो कौन सा एनिमल है ये है केमल का ठीक है ये उसका हम्ब है इसमें वो फूड स्टोर करके रखता है फिर ये पिक्चर नंबर टू है और यहाँ पे टू लिखा है और ये कौन सा एनिमल है केमल है ओके माय वेब फिट हैप मी टू स्विम मेरा जो फिट है वो मुझे मदद करता है स्विम करने में ठीक है माई वेब हैप फिट हेल्प मी टू स्विम मेरा जो वेब फिट है वो मुझे मदद करता है स्विम करने में वो कौन सा एनिमल है वो है पेंगुइन के okay. पिक्चर नंबर थ्री पेंगुइन ये है पेंगुइन ये स्विम करता है ठीक है फिर माय लॉन्ग नेक हेल्प्स मी रीच फॉर लीव्स ऑन टालेस ट्रीज मेरा जो लंबा करता है वो मुझे मदद करता है लंबे पेट पे ट्रीज पे क्या लेने में पत्ते लेने में मुझे मदद करता है वो कौन सा एनिमल है वो है जिराफ क्योंकि जिराफ के गर्दन बहुत लंबे होते हैं वो ऊपर तक लीव्स खा सकते हैं ले सकते हैं ठीक है, है? यहाँ पे फिफ्थ लिखना है और यहाँ पे जिराफ ओके फिर माई स्ट्रिप्ट फर हेल्प मी टू हाइड फ्रॉम प्रे वन आई एम हंटिंग मेरा जो स्ट्रिप्ट फर है वो मुझे मदद करता है दुश्मनों से छिपने में जब मैं शिकार करता हूँ वो कौन सा है ये स्ट्रिप्ट फर है ठीक है ये कौन सा है टाइगर है फोर पिक्चर नंबर फोर और यहाँ पे टाइगर लिखना ठीक है माई हुफ्स प्रोटेक्ट मी माई फीट फ्रॉम दी हॉट ग्राउंड मेरा जो हु जो पेड़ के नीचे जो सख्त हुफ्स होता है ना वो मुझे मदद करता है सख्त ग्राउंड से नीचे जो ज़मीन होता है सख्त उससे मुझे मदद करता है सेफ रखता है वो कौन सा है वो है हॉर्स ठीक है सिक्स हॉर्स ठीक है फिर आई यूज़ माई ट्रंक टू लिफ्ट ईट ड्रिंक एंड स्मेल मैं अपने ट्रंक के मदद से मैं क्या कर सकता हूँ कोई भी चीज़ उठा सकता हूँ खा सकता हूँ पी भी सकता हूँ और सूंग भी सकता हूँ वो कौन सा एनिमल है वो है एलिफेंट पिक्चर नंबर फर्स्ट एलिफेंट ओके नाउ नेक्स्ट पेज पेज नंबर सेवेंटीन सोना इस होपफुल फुल डेट ही विल मेक सम न्यू फ्रेंड्स बट व्हेन ही सेट आउट सेट्स आउट टू एक्सप्लोर हिज नाइबरहुड ही किड्स इन अनप्लेजेंट शॉक सोना कौन है सोना ये दो केमल है ठीक है ये बेबी केमल है इसका नाम क्या है इसका नाम है सोना ठीक है और ये सोना इज़ होपफुल दैट ही विल मेक सम न्यू फ्रेंड्स सोमा को उम्मीद है कि वो नया फ्रेंड्स बना सके बट व्हेन ही सेट्स आउट टू एक्सप्लोर हिज नाइबरहुड लेकिन जब वो बाहर गया अपने नाइबरहुड अब अपने आसपास देखने गया ही गेट अनप्लेजेंट चौक लेकिन उसको कुछ अच्छा बर्ताव वहाँ से कुछ ठीक वो नहीं लगा ठीक है वो हम सब इसी में पढ़ेंगे ठीक है सेक्शन फर्स्ट मदर केमल एंड हरियंग सन सोना वेर स्लोली वॉकिंग अलोंग इन द डिज़र्ट एक मदर केमल एक केमल ये मदर कैमल है एंड सन और उसका ये लड़का है सोना ठीक है वेर स्लोली वॉकिंग अलोंग द डिजर्ट वो धीरे धीरे डिजर्ट के तरफ जा रहा था इट वॉज़ वेरी हॉट डे बहुत ही गर्मी का दिन था द बर्निंग येलो एंड सेंड शोन इन दी ब्राइट सन और बहुत ही बर्निंग बहुत ही तेज धूप था और जो मिट्टी होता वो जैसे आग नहीं होता वैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी था ब्राइट सन में ठीक है सडनली सोना स्टॉप एंड डक हिज फिट इन टू अचानक से सोना रुक गया और अपने पैरों से वो ज़मीन खोदने लगा सेंड खोदने लगा आई वोंट गो एनी फर्दर ही ग्रम्बलिट मैं आगे नहीं जा सकता यही कह के उसने कंप्लेन किया आई आई एम वेरी थर्सटी मुझे बहुत प्यास लग रहा है आई नीड वाटर मुझे पानी चाहिए थर्सटी माई डियर बट आई वोंट बी फॉर बट इट वोंट बी फॉर लॉन्ग वाटर इज नियर लॉक उसकी मम्मा ने कहा हम थोड़ा आगे जाएंगे फिर वहाँ पे आप देखो वहाँ पे पानी है स्ट्रेच और लॉन्ग नेक टूवर्ड्स अ लाइन ऑफ ट्रीज डिस्टेंस अवे उसने आगे ऐसे गर्दन मोड़ के देखा यूज से दो ट्रीज देर आप वहाँ पे कुछ पेड़ देख सकते हो इन दिस डि वेयर देयर आर ट्रीज देर देर इज वाटर अब वहाँ गर्दन उठा के देख लो जहाँ पे भी पेड़ दिखता है वहां पे पानी होता है डिजर्ट में ठीक है देर माइट इविन बी आ विलेज वहाँ पे शायद एक विलेज गाँव भी हो सकता है एनी वे देर इज देर विल बी अदर कुछ जानवर भी हो सकते हैं जिनके साथ आप खेल सकते हो अब चलो हम वहाँ पे चलते हैं हाउ लवली सेट सोना एंड बिगेन वॉकिंग फास्ट सोना ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है चलो हम दोनों जल्दी से वहां चलते हैं सुन दे रीच द ट्रीज हिज मदर लिफ्टिफिट फिर क्या क्या जो ही वहाँ पे जो ही वहाँ पे वो लोग पहुँचे उन्होंने सर उठा के ऐसे देखा कम दिसवे से टर्निंग लेफ्ट वो लेफ्ट ऐसे घूम के फिर मम्मा ने कहा उसको चलो इस साइड हम चलते हैं आई स्मेल वाटर क्वाइट नियर मुझे स्मेल मतलब स्मेल का मतलब क्या है बुआना ठीक है मुझे स्मेल आ रहा है वाटर का चलो हम थोड़ा आगे तक चलते हैं सराउंडेड बाई टॉल टॉल ट्रीज एंड थिक बुश दे फाउंट अपूल ऑफ क्लियर कूल वाटर धीरे जाके वहाँ पे इर्द गिर्द क्या था पेड़ था लंबे लंबे पेड़ थे बुश थे थिक उन्होंने वहाँ पे एक पूल देखा वहाँ पे ठंडा पानी था साफ ठंडा पानी था ठीक है लवरिंग द हेड्स दे रंग डिब्ले उन्होंने अपना गर्दन नीचे करके उन्होंने अच्छे से पानी पिया क्राउ सिटिंग ओन on a tree nearby watched them. एक क्राउ वहाँ से देख रहा था उनको पानी पीते हुए उनको देखा वो क्राउ वहाँ से देख रहा था और कहा What a lot of water you drink! He burst out. वो क्राउ चिल्लाते हुए कहा आप लोग इतना ज्यादा पानी क्यों पी रहे हो उसने चिल्लाते हुए कहा ठीक है Now, turn next page. When Sona and his mother finally finished, you drink more than a अनदर अना मोर देन एनी अनदर अनिमल आई हैव एवर सीन फिर उस ग्राओ ने क्या कहा जो ही सोना और उसके ममा ने पानी पी के गर्दन ऊपर किया फिर उस ग्राओ ने क्या कहा आप लोगों ने तो जितना यहाँ तक जितना भी अभी तक जो भी एनिमल आया है उन सबसे ज़्यादा आप लोगों ने पानी पिया है आई एम श्योर कंटिन्यू द्रॉ शेकिंग हिज हैड फ्रॉम साइड टू साइड यू कुड ड्रिंग द पुल ड्राई फिर उसने क्या कहा मुझे यकीन है आप लोगों ने इतना ज़्यादा पानी पिया होगा अपना सर हिलाते हुए उसने साइड टू साइड अपना सर हिलाते हुए हुए कहा आप लोगों ने तो इतना पानी पिया होगा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पूरा पुल सुखा दिया है यही यहाँ तक हम पढ़ेंगे फिर कल हम सेक्शन टू पढ़ेंगे ओके आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो आप लोगों को ये अच्छे से रीड करना ठीक है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू